एंड वेलकम टू क्रिक कास्ट एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। कोई सबसे भी पहले टाइम तो वेस्ट नहीं करूंगी कोई भी इंट्रोडक्शन कराने में, क्योंकि जो गेस्ट मेरे साथ आज मौजूद है उनका नाम ही काफी है। सो विद मी टुडे आई हैव नन अदर देन शुएब अख्तर। अस्सलाम वालेकुम शुएब एंड वेलकम टू द शो। कैसे वालेकुम हैं शुएब, खैरियत से? अच्छा, ऑल गुड एक एक सवाल जो के क्योंकि मोस्टली मेरे पास जो सब्सक्राइबर्स हैं वो इंडिया से हैं, तो बहुत सारे लोगों ने ये सवाल मुझे जो है वो आपसे पूछने को कहा कि दोस्ती आपकी शाहरुख खान और सलमान खान दोनों से है, बट ज्यादा अच्छे दोस्त कौन से हैं? तबीयत मैं आपको बता देता हूँ। शाहरुख एक बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं, बहुत आजिज इंसान हैं, और सलमान कभी ऐसी आजिज़ी में रहते हैं। दोनों की बहुत खसूसियात हैं और एक नहीं है, 100 हैं। अब 100 तो नहीं गिना सकता, लेकिन जो मैं आपको बता सकता हूँ, गरीब परवर हैं दोनों ही। दोनों ही अच्छे हैं इन टर्म्स ऑफ, इनके दिल बहुत साफ हैं, नीयत के बड़े साफ हैं, और अपने दोस्तों के साथ मदद करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। शाहरुख नॉट टू मच ऑन फ्रंट फ्रंट फुट पे आगे खेलते हैं, वो पीछे रह के अपना करते रहते हैं। इज अ ग्रेट गाय, सिंपली ग्रेट गाय शाहरुख खान, इसमें कोई शक नहीं कि जो उसको अल्लाह ने इज्जत दी है शाहरुख खान को, वो ऐसे नहीं है। एंड ही इज बीन वेरी कंफर्टेबल विद मी शाहरुख, ही लुक्ड आफ्टर मी रियली वेल ड्यूरिंग द आईपीएल डेज, made sure that you know Shoaib gets everything whatever he wants, और he believed कि Shoaib को हमने look after करना और इस टाइम में मैच जिताने, but unfortunately हमारा IPL का दूसरा ही मैच बॉम्बे में था और Shoaib and Shahrukh दोनों ही they were in Bombay Wankhede Stadium, और मैच किसके खिलाफ था? सचिन के खिलाफ। अब ना शाहरुख बाहर जाए ना मैं बाहर जाऊँ, बिकॉज हमें बड़ी गालियाँ पड़नी थी वांकडे में, और वैसे ही हुआ, और मैं एक्सपेक्टेड था कि मुझे बहुत गालियाँ पड़नी, और गेम सचिन इज फेसिंग मी इन बॉम्बे फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग आईपीएल डेज, स्टूपिड आइडिया। सो मैंने कहा यार ये अच्छा नहीं है कि सचिन को आउट करना यहाँ अच्छा नहीं है। तो मैंने कहा कोई नहीं, बॉम्बे क्राउड है, लेकिन अब वहां पे सचिन शाहरुख शोएब तीनों ऐसे शुरू होते हैं भाई। अब ऑब्वियसली वांकटे बॉम्बे, भाई जब क्रिकेट होती है तो वो सचिन का ही है, अब पीरियड खत्म बात, आप जो मर्जी हैं। मैंने शाहरुख बाहर आ जाए, कहते हैं अंदर भाई अंदर ठीक हूँ अंदर ठीक, मैं नहीं आ रहा, सचिन खेल रहा भाई, तू जा भाई। तो मैंने कहा मुझे बड़ी गालियां पड़ेंगी बाहर, कहता है फेस। मैं गया बाहर, फाइन लाइक में खड़ा हुआ, दूर खड़ा हुआ, तो बड़ा क्राउड ने मुझे बहुत छेड़ा, बहुत तंग किया। तो मैंने सौरभ कहा, मैं सौरभ आगे आ जाऊँ जरा यार, कहता है यार मेरा ख्याल तो आगे ही आ जाए। पर पहला ओवर किया मैंने, सचिन को आउट कर दिया। ओहो, फिर उसके बाद जो बोतलें चली हैं, फिर उसके बाद मुझे जो डांटा गया। बट अगेन दिस इज द स्मॉल सम स्मॉल इंसिडेंट आई रिमेंबर इन बॉम्बे। इट वाज फन, इट इज रियली फन, यू नो, पीपल वांटेड टू सी दिस, एट द सेम टाइम दे डोंट वांट टू सी सचिन गेटिंग आउट एंड हैमरिंग मी, आई मीन यू कांट हैमर मी, यू सी। So, सचिन को चाहिए था कि मुझे मारना चाहिए था, वो नहीं मारा उन्होंने, वो आउट हो गए स्लिप में, बाहर बॉम्बे क्राउड पागल हो गया। बट अगेन कम बैक टू सलमान, सलमान ही इज अ डिफरेंट ब्रीड, ही इज अ डिफरेंट ब्रीड, बहुत ही नेक इंसान है, बहुत ही अच्छा इंसान है, मुतमईन है, बिकॉज अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, बहन भाई का ख्याल रखते हैं, कैरी करते हैं दुनिया को, लोगों को कैरी करते हैं। और मैं हमेशा मेरी सलमान से इसलिए बनी कि हम दोनों तबीयत के एक जैसे हैं और बड़े इलिटरेट हैं, और बड़े पॉलिटिकली इलिटरेट हैं हम दोनों ही व्हेन इट कम्स टू सेइंग समथिंग गुड स्टफ अबाउट इन द मीडिया। सो हमें पता नहीं चलता हम कुछ भी कह देते हैं। बट अगेन मैं वी स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर मी एंड सलमान ड्यूरिंग व्हेन एवर आई वाज इन इंडिया, सो आई गो टू हिज प्लेस मेनी अ टाइम्स, सो बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। ही इज अ ग्रेट गाय, एज ही सेड, ही इज अ ग्रेट गाय, ग्रेट गाय, ग्रेट गाय, ही इज अ ग्रेट गाय, सो देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। एंड बहुत गरीब परवर आदमी है, बहुत गरीब परवर आदमी, आई मीन इससे अच्छा इंसान मैं बहुत दुनिया में कम मिला हूँ, बहुत कम मिला। आई मीन आई डोंट नो मच अबाउट आमिर बिकॉज आई नेवर मेट आमिर, आई मेट आमिर वंस, ही सीम्स लाइक अ वेरी नाइस गाय, बट यू नो ही इज अ डिफरेंट ब्रीड अगेन।
met many other, I mean, I definitely, I call my, there's a younger sister that I call, she's been there, you know, many times that we spent times together. It's Katrina Kaif, so we always shared a lot of good memories together, and you know, I have seen her struggles. I'm really glad that, you know, she made it far, and you know, and I'm really happy for people, you know. Main mujhe khushi hoti hai Katrina made it, Salman made it back again, but you know, again, it's good to know these people, aur mujhe maza aaya, lekin but I can't be part of their industry ever. No, mujhe gangster offer hui, mujhe ek aur bada bahut bada script offer hua, usme naam bhi mera Shweta hai, itna hint kafi hai. So मुझे मुझे ये प्रेशर नहीं लेने थे दोबारा फिल्म इंडस्ट्री के. मुझे नहीं था कि यार कि मैं दोबारा एक लाइम नाइट में आऊँ फिर फिल्में करूँ. हालांकि मैं मेरे पास था लग्जरी थी, 60 दिन 70 दिन काम किया और तकरीबन कोई 70 दिन काउंटी क्रिकेट खेली और तकरीबन कोई 70 दिन मैंने वो करना है क्रिकेट खेलनी. सो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. मैंने सोचा था कि मैं फिल्म भी करूँ और हालांकि हिंदुस्तान में मुझे बहुत प्यार किया जाता है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं. हिंदुस्तान में मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता है और मैं बहुत शुक्रगुजार भी हूँ हिंदुस्तान का और हिंदुस्तानियों का, क्योंकि मुझे आई कांट रिमेंबर इन माई रिसेंट मेमोरी कि इतना किसी पाकिस्तानी के साथ लाड किया हो इंडिया ने मेरे अलावा. मुझे नहीं याद पड़ता, आई कांट रिमेंबर. इमरान खान से किया और मुझसे किया है, इसमें आई एम इंडेटेड टू देम, आई एम इंडेटेड टू देम. और मैं हमेशा इनके लिए अच्छा सोचता हूँ. लोग कहते हैं कि मैं अननेसेसरी बहुत ज़्यादा तारीफ कर देता हूँ हिंदुस्तान की, लेकिन ये बात सच है कि विराट कोहली दुनिया का नंबर वन बैट्समैन है. वो फोकस्ड हुआ है, उसने अपने आप को ब्रैट से वाइजेस्ट हुआ है, उसने अपना किया है, तो आपको तारीफ करनी पड़ेगी. आप पाकिस्तानी हो या आप जो मर्जी हो, आपको कहना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा, आप दिल बड़ा करना पड़ेगा. तो मैं खुले दिल से कह देता हूँ, लोग समझते हैं शायद इंडिया से पैसे पूछे आते हैं, इसलिए भाई मेरा ही कभी भी नहीं होता. मेरा तो ईमान नहीं है, ऐसा तगड़ा है अल्लाह ने बनाया है कि अल्लाह की जात रिस्क खिलाती है, अल्लाह की जात देती है. अब 4 साल से हिंदुस्तान, 5 साल से हिंदुस्तान नहीं गया तो क्या हमारा रिस्क बंद हो गया, या हमारे पैसे आना बंद हो गए, या हमने नई गाड़ी देना छोड़ दी. अजीब बच्चों वाली बात करते हैं. सारी जिंदगी पाकिस्तान से खेला हूँ, पाकिस्तान के लिए वफादार रहूँ और नहीं घबराना. बट अगेन, क्या आप किसी के दिल में नफरत रख के किसी के लिए आप बुरा सोच सकते हो? नहीं. मैं ऐसा इंसान लगता हूँ? नहीं. जरूरत पड़ी मुल्क को खड़े हो जाएंगे, लेकिन जब तक आप मीडिएटर का रोल कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि फासला खत्म कर सकते हैं, तो मैं हमेशा कोशिश करता रहूंगा और मैं कभी दिल में नफरत रख के इंडिया के लिए बात नहीं कर सकता. और बहुत सारे अहमक लोग ऐसे सोचते हैं कि शायद आपको भी ऐसे करना चाहिए, मैं नहीं कर सकता. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया श्वेत, बहुत मजा आया, थैंक्स अ लॉट. और मैंने जितना मैं शॉर्ट इंटरेस्ट कर सकती थी आपके करियर को एक नटशेल में डालने की कोशिश कर सकती, बट इतनी जल्दी पूरा करियर नटशेल में नहीं हो सकता था. बट बहुत बहुत शुक्रिया आपका. बस जाते जाते मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरे चैनल के लिए एक मैसेज प्लीज. Hey guys, this is Savera, and make sure you do go on our channel, subscribe her, and I'll tell my community, you know, to subscribe her channel, and she's doing great work, and we have to empower women, and we have to make them a brand out of them. That's very important. Zainab Bas is there, Savera Pasha is there, and there are many other girls that are doing a fabulous job. So make sure that you go out there and support them. This is what we need as male, as a male chauvinist society that has to cut down its branding, and make sure you empower women. And give them a space what they required. Thank you. Thanks a lot. Aapka bahut bahut shukriya. Apna khayal rakhiyega. And thank you very much. Thank you. Thanks. So guys, this was me and spot on. जितने मजे से ये बात करते हैं, spot on चीजें बताते हैं, जितना खुल के बात करते हैं, जो हमने एक aggression, एक गुस्से वाले शुएब अख्तर को देखा है. मैंने आपको बताया कि उनकी soft side भी है, और वाकई मैं आई विटनेस हूँ उस चीज़ की, और इस वजह से मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ. सो जिस तरह पोर्ट्रे लोगों को किया जाता है, असल में लोग बहुत डिफरेंट होते हैं, और बहुत बहुत ही डिफरेंस होता है जब असल में सेलिब्रिटीज़ का पता चलता है कि इंटरनली वो हैं कैसे. सो सुमित तोमर, गुमित
तोमार कह रहे हैं, आई लव सवेरा टॉकिंग स्टाइल, थैंक यू कैंसिल लॉर्ड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर लाइकिंग इट। आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने जो है वो ये इंटरव्यू देखा, इसके साथ जुड़े। आई होप आप लोगों ने इंजॉय किया होगा। सब्सक्राइब टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि ऐसे ही वीडियो देखना ज्यादती होती है सारे कंटेंट क्रिएटर्स के साथ। सो सब्सक्राइब टू द चैनल, सब्सक्राइब टू ऑल द अदर सोशल मीडिया आउटलेट्स जहां मैं अवेलेबल हूं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, आप वहां पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पे भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का इंटरव्यू। मैंने सोचा